जो कि उनको बोला करते थे 7-8 साल पहले, दिल टूट जाए तो रोना क्यों, यादों का खजाना बाकी है। दिल टूट जाए तो रोना क्यों, यादों का खजाना बाकी है। मुझसे कोई ना चाहे तुझे, तुझे समझ में आना बाकी है। भाई आज एक बहुत बड़ी मुद्दा लेके आया हूँ आप लोगों के साथ, जो कि मेरे साथ गुजरा है इस 7-8 सालों में। भाई बताने जा रहा हूँ आप लोग को, गलती से भी मोहब्बत मत करना। और मैं भी नहीं चाह रहा था कि मोहब्बत हो जाए, और गलती से हो गया मोहब्बत। कैसे कैसे गुजर गया 7 साल पता ही नहीं चला। और इस 7 सालों में बहुत बातें हुई, बहुत वादे कस्मे जो बोलते रहे, भरोसे, जैसे मोदी जी देते हैं भरोसे, आत्मसम्मान मोदी जी देते हैं, वैसे भी हमको भी भरोसा मिला, हम भी दिए भरोसा। लेकिन हर एक चीज़ का ख़त्म होता ही है आखिर, जैसे मौत आना ही है वैसे प्यार को भी ख़त्म होना ही है शायद मेरे हिसाब से। इसलिए मेरा प्यार आज डी एंड हो गया, और आज हम लोग ब्रेकअप करने का डिसीजन ले लिए, क्योंकि सही नहीं होता यार। आप उनका ना सुनो, वो आपकी ना सुने, तो क्या फ़ायदा ऐसे प्यार का। 7 साल तो बहुत अच्छी से चला, और पता नहीं अभी नज़र लग गया शायद किसी का, या फिर मैं ही खुद काला हो गया हूँ इसके वजह से, पता नहीं है। शायद हो सकता है मैं ही काला हो गया हूँ, या फिर नज़र लग गया किसी का, इसके वजह से ऐसा हुआ है। तो बस यही तकलीफ है, क्या बताऊँ आप लोग को। कहानी कंटिन्यू शुरू करते हैं, और वीडियो शुरू करने से पहले, मेरा नाम सरताज हुआ, आप देख रहे हैं सुरजापुरी की। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर देना। और आप लोग लाइक और कमेंट करते हैं तो अच्छा लगता है। और वीडियो शुरू करने से पहले एक शायरी बोल देते हैं, जो कि उनको बोला करते थे 7-8 साल पहले, दिल टूट जाए तो रोना क्यों, यादों का खजाना बाकी है। दिल टूट जाए तो रोना क्यों, यादों का खजाना बाकी है। मुझसे कोई ना चाहे तुझे, तुझे समझ में आना बाकी है। तो ये शायरी उनके लिए है, और आप लोग भी अपने गर्लफ्रेंड या अपने बॉयफ्रेंड को भी बोल सकते हैं ये शायरी, सबके लिए है। तो क्या बोलूँ, आप तो देख ही रहे हैं मेरा हालत और स्थिति, पूरा गंजा हो गया यार, इतना टेंशन, बाल ही उड़ा दिए पूरा। बाकी देखो क्या होता है, 14 फरवरी भी आ रहा है, किस डे हक डे, फुल डे, रोज डे, ये तो सब निकल गया। बाकी बचा है, अब तो मुझे कुछ याद भी नहीं है क्या बचा है क्या निकल गया है, कुछ याद अता पता नहीं है। आप लोग अता पता दे सकते हैं हमको, और प्यार वार के चक्कर में मत जाना यार भाई, ये बेकार है प्यार वार जो भी है, समझे। प्यार के चक्कर में अपना वक्त ख़त्म होता है भाई, बहुत वक्त ख़त्म होता है, समझे। अभी एक एक मिनट का कीमत है, और आप एक एक मिनट के बदले में एक एक दो दो घंटे बर्बाद कर देते हैं। तो आप सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि ये यार प्यार का चक्कर में ना पड़े, 1 घंटा 2 घंटा कहीं और अगर देंगे तो आगे के लिए फ़ायदा होगा। जैसे कि मैं अब रेगुलरली आ गया हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, अब कंटिन्यू वीडियो आएगा, चाहे किसी भी प्रकार का हो। आप लोग ऐसे प्यार बनाए रखना, और मैं भी आप लोगों को प्यार देते रहूँगा। तो अभी तक के लिए यहीं तक, और बहुत जल्दी एक वीडियो आने वाला है, नाम नहीं बताऊँगा क्योंकि मुझे भी नहीं पता है किस टॉपिक पे वीडियो आएगा, लेकिन हाँ आएगा, क्योंकि काम कर रहा हूँ उस पर, चल रहा है काम, और आएगा। और जो भी भाई मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, मुझे एक टीम की ज़रूरत है, कैमरामैन हो गया और एडिटर, कैमरामैन और एडिटर का सख्त ज़रूरी है। जो भी भाई अगर मेरे साथ काम करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें, वहाँ या वहाँ पे मैसेज करें। इंस्टाग्राम आईडी का नाम है IAM सरताज, हेलो, उस नाम से सर्च करेंगे, या सुरजापुरी किंग नाम से भी सर्च करेंगे तो
तो आ जाएगा, ठीक है, वहाँ पे फॉलो करके डीएम कर देना हमको, जवाब कर देंगे। नहीं तो फेसबुक में भी सरताज आलम से मेरा आईडी है, और फेसबुक पेज का भी न्यू सुरजापुरी है, वहाँ पे भी कहीं पे भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं। अगर जिसको काम करना हो मेरे साथ, एडिटर और कैमरामैन का सख्त ज़रूरत है हमको, सख्त फिलहाल के लिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, खुदा हाफिज़।